आज हमने बनाया है हलवा पराठा। हमने लिया है 1.5 कप मैदा छानकर, इसमें डालेंगे 2 पिंच नमक, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है। इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। एक पैन लिया है हमने, इसमें लिए 1 कप सूजी, इसको भूनेंगे। ज्यादा डार्क कलर नहीं भूनना है हमने, हल्का सा लाइट रखेंगे। इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून घी, इसके साथ इसको भूनेंगे। सूजी हमारी भून गई है। एक कप सूजी ली, 1 कप ही हमने इसमें चीनी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे इसके साथ। इसमें डालेंगे हम 2.5 कप पानी, 2.5 कप पानी डालेंगे। इसमें सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़े से बादाम काट के डाले हमने इसमें, सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें। एक पिंच फूड कलर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे इसके साथ। इसको ढक देंगे, 5 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। फिर देखिए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है हमारा रसीला सा हलवा। तो हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। एक बाउल में हमने 2 चम्मच घी लिया है, इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह का घोल होना चाहिए हमारा, ना डो ने भी रेस्ट कर लिया है। इसको निकालेंगे, हल्की सी मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल करेंगे मैदा के साथ। इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, इसको बेलेंगे, जो हमने घोल तैयार करके रखा है घी और मैदा का, वो इस पे सब तरफ लगाएंगे। इस पे हल्की सी मैदा डस करेंगे और इसका रोल बना लेंगे। एक लंबा सा रोल बना लिया हमने, इसको फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह हम फिर से एक लोई बना लेंगे। इस तरह हम ये हम इसके दोबारा से करेंगे, बेलेंगे इसको फिर से। हम इसको 3 बार इस तरह करेंगे, बेलेंगे फोल्ड करेंगे। हमने सिर्फ 3 बार कर लिया है, इसकी थिकनेस देख लीजिए। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम किया है, इसमें इसको डाल देंगे। ऑयल ज्यादा गरम भी ना हो ना ज्यादा ठंडा हो। एक फॉग लेंगे, उसकी मदद से हम इसमें बीच बीच में इस तरह ऑयल कर लेंगे ताकि ये फूले ना पूरी की तरह। इसको हम पलटेंगे, हम 2-1 बार पलटते हुए इसको दोनों साइड से अच्छे से करारा होने तक पलेंगे हम। तो देखिए कितना करारा सा बना है हमारा पराठा।
हलवा रख देंगे, तैयार है हलवा पराठा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।